बूट भी मिल गए, उड़ने वाले नहीं। अरे ये क्या कर रहा है गाइस? सो हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर एपिसोड। तो कैसे हो आप सभी लोग? एमसी इटर्नल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यार गाइस, आप लाइक करोगे वीडियो को क्या? नहीं करोगे? अरे हाँ यार, लाइक करना ही पड़ेगा आपको। तो चलो यार, आज का एपिसोड शुरू करते हैं और करते हैं कुछ नया, लेट्स गो। सो गाइस, अगर आप लोगों को पता हो तो यार, अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा ये अपनी खेती बाड़ी जो है ठीक करी थी, और उसके अलावा गाइस मैंने यहाँ से जो थोड़ा सी जगह है वो फ्लैट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर अभी हम बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे ना, वो हमें लगाने के लिए एक जगह तो चाहिए ही। तो यहाँ पे हमने वो जगह खाली करी है और मैंने घर भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, और यहाँ पे मैंने ये ब्रिक्स लगाई है चीजल की मदद से। तो और यहाँ पर गाइस देखें, ये है वुड, बिर्च वुड, जिससे ये डोर बने हुए हैं। तो देखो, ये मैंने वुड पता है यहाँ पे क्यों लगाई है? देखो भाई, वुड पे चलते हैं ना तो एक अलग ही फील आता है, मतलब आवाज़ आती है शूज़ की एकदम मस्त वाली। तो ये हमारा पेट है, इसको उठा देते हैं, थोड़ा घूम फिर लेगा इधर उधर। और यहाँ पे मैंने जगह बनाई है उस मशीन को लगाने के लिए, और यहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा बॉक्स भी लगा दिए मैंने, और इन बॉक्स को कनेक्ट कर दिया है एक दूसरे के साथ। तो ये हमारा स्टोरेज है, ठीक है। तो गाइस चलो फिर हम अपना क्विस्ट को जो है कम्प्लीट करते हैं। तो गाइस अगर हम अपने क्विस्ट देखें तो यहाँ पर हमें जो चीज़ बनानी है वो है स्मेल्ट्री, हमें एक स्मेल्ट्री बनानी है। इसका काम क्या है वो मैं आपको इसको बनाने के बाद बताऊंगा। तो स्मेल्ट्री बनाने के लिए हमें बनाना होगा ये शेयर्ड ब्रिक। तो ये ब्लैक कलर की ब्रिक्स बनानी होंगी, और ये बनेगी हमारी ग्राउट से, ठीक है। तो हमें फर्नेस के अंदर इसको रखना होगा ग्राउट को, और ग्राउट बनता है हमारा ग्रेवल, सैंड और क्ले से। ओके, 64 के दो स्टैक हो गए मेरे पास, ठीक है। तो आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो अब मुझे इनको लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे फर्नेस में। तो एक स्टैक मैं इसमें डालूँगा, एक स्टैक इसमें डालूँगा, इसको निकाल लेता हूँ। इसको खा सकते हैं हम? ओके, इसको खा सकते हैं। और ये फूड के लिए गाइज़ मैं यहाँ पे एक ये मैंने चेस्ट लगाया, और गाइज मैंने इस जगह को थोड़ा पीछे कर दिया है, तो मुझे ये चीज़ें भी थोड़ा पीछे शिफ्ट करनी होंगी। तो गाइज़ हमारे पास 54 जो हैं आ गई हैं ब्लैक वाली ब्रिक, शेयर्ड ब्लॉक, शेयर्ड ब्रिक। तो कोबलस्टोन डालते हैं इसमें। तो गाइस अभी बनाते हैं हम अपना, पहले तो हमें ये बनाने थे शेयर्ड ब्रिक। तो 32 बनाने हैं ये हमें, तो 12 बने हैं अभी, तो भाई 13 बने हैं और चाहिए होंगे अभी तो हमें। तो गाइस इसमें क्या चीज़ें ना बहुत स्लो बन रही है यार, तो हम एक टाइमर बना सकते हैं। तो वो टाइमर बना लेता हूँ मैं, वेट अ सेकेंड, वो हमारे क्विस्ट में ही है। जैसे कि ये देख सकते हो, टाइम इन ए बोटल। तो टाइम इन ए बोटल ये हमारा क्विस्ट भी है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके लिए हमें ग्लास बोटल चाहिए होगा, और ग्लास बोटल के लिए हमें थोड़ा सैंड चाहिए होगा। तो गाइस ग्लास बन गया है, अभी हम बोटल बना लेंगे ग्लास से। तो बोटल बनाने के लिए सिंपली ऐसे रखो, 3 बोटल आ गई मेरे पास। तो अभी हमें बनाना पड़ेगा वो ये, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए डायमंड्स, एक क्लॉक भी बनाना पड़ेगा भाई। तो हमारे पास चीज़ें होंगी, पहले एक क्लॉक बनाते हैं। ओके, क्लॉक बन गया। बोतल भी है, लैपिस भी है, गोल्ड भी है, तो बन जाएगा अभी। ओके बन गया गाइस, तो हमारा क्विस्ट भी कंप्लीट हो गया, हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ओ 300 पॉइंट्स, ओ रिवॉर्ड TNT, रिवर्स TNT। भाई ये क्या है भाई? रिवर्स TNT क्या होता है? चलो इसको रख देते हैं हम, फिर भी इसमें रख देते हैं, जितने भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे हम इसमें रखेंगे। तो गाइस ये बोतल क्या करती है, ये बोतल बढ़ा देती है स्पीड। तो देखो मैं अगर इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा ना ऐसे करके, तो ये स्पीड बढ़ाएगी। देख रहे हो कितने 6 ग्लास हो गए, और अगर मैं अभी ऐसे ऐसे करके मारूँ इसको, तो देखो कितने ग्लास हो जाएंगे, 8 हो गए। तो भाई ये इस तरीके से काम करती है, ये स्पीड बढ़ा देती है। सो गाइस ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे शेयर्स ब्रिक बना लिए हैं, तो कलेक्ट कर लेते हैं इनको। हमारे पास ऑलमोस्ट एक स्टैक से ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी यार हमारा सामान जो है बन जाएगा, तो पहले ये स्मेल्ट्री कंट्रोलर बनाते हैं। तो एक ये आ गया,
और एक ये बनाते हैं हमारा शेयर टैंक। ओके ये भी आ गया। ओके तो सारी चीज़ें आ गई गाइस, तो हमारा जो क्विस्ट है वो कंप्लीट हो गया, जिसको हम अभी कलेक्ट कर लेंगे। ओके तो ये हो गया, पॉइंट मिल गए और लूट रिवॉर्ड। ओके तो इसमें बहुत सारे लूट है यार, क्या ये मुझे मेरी, ओके 16 लूट रिवॉर्ड चेस्ट मिले हैं मुझे। तो मुझे कैसे खोलने होंगे इनको, तो इनको क्या करना होगा मुझे। डायमंड पिकेक्स बताया है इसमें, यार इनको कैसे करना है मेरे को, ये क्या करना है भाई, ये क्या, ये सिंपल ब्लॉक है क्या, मुझे तो ये सिंपल ब्लॉक लग रहे हैं भाई। तो चलो यार इसको भी इसमें रख देते हैं। चलो अभी हमें अपनी चीज़ें लगानी है, तो अब हम अपनी चीज़ें लगाना शुरू करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा स्मेल्टरी से, ठीक है। और गाइस इसके लिए हमें 3x3 का एक एरिया बनाना होता है, जैसे कि मैंने बनाया है। एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें लगेंगे हमारी, ठीक है। और अब ये कैसे लगेंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो भाई, पहले तो ये हमने ये लगा दिया, अब हमें लगाना पड़ेगा ये शेयर्ड टैंक। तो ये शेयर टैंक हमारा यहाँ पे भी लग सकता है। ओके उसके बाद लगता है हमारा ये ड्रेन। ओके ऐसे करके, तो देख सकते हो गाइस अभी इसको हमें ऑन करने के लिए लावा की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो हमें लावा चाहिए होगा भाई। और इसको हम लगा सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और इसके आगे एक नलका लगता है, जिसको ये है, ये क्या बोलते हैं इसको, ड्रेन फोस्ट फोसेट, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको यार। ये ऐसे लगाना होता है हमें आगे। अब ये काम क्या करता है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ ये काम क्या करता है। पहले तो गाइज हमें लावा लेके आना पड़ेगा इसके अंदर भर के, तो इसको लेके चलते हैं हम लावा के पास। और हमें एक चाहिए होगी बकेट, तो बकेट ले लेते हैं और अपना बाकी का रिवॉर्ड वगैरह जो बची हुई चीज़ें वो इसमें डाल देते हैं। वो ये कहाँ से आया, ओके इसने मुझे एक आयरन, दो आयरन दिए बढ़िया। तो भाई इस चेस्ट को खोलते हैं। ओके मुझे इससे मिला है, ओ इतनी सारी चीज़ें मिल गई मुझे इससे। ये क्या है भाई, वॉइड चार्म नथिंग, ये नथिंग क्या है भाई, हद है। ओ ये तलवार बहुत अच्छी है यार। एक मैप भी मिला है मुझे, बुरी ट्रेजर मैप, एक ट्रेजर मैप भी मिला है भाई मुझे, नाइस। और ये क्या, ओल्ड कोइलर, पता नहीं क्या है ये, क्विवर, बढ़िया यार। लूट तो यहाँ पे अच्छी मिली मुझे। ठीक है तो भाई हमारा ये भर गया है। तो भाई इस घर पे आ गए हम, और हमें भाई अभी ऑब्सिडियन तो मिला नहीं, बट हमारा ये टैंक जो है ये पूरा भर गया है। तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही इसको हम लगाते हैं, तो यहाँ साइड वाले इसमें लावा आना शुरू हो जाता है। ओके तो गाइज़ हमें इसको स्टार्ट करने के लिए एक यहाँ पे एक ब्रिक चाहिए होगा। हम कोई सा भी ब्रिक ले सकते हैं, या तो ये वाला ले सकते हैं या कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ अभी तो, क्योंकि मेरे पास यही है शेयर्ड ब्रिक। तो गाइज़ मैंने ले लिया है। अब इसको ऑन करने के लिए गाइज़ हमें इसके अंदर डालने होंगे और तो मेरे पास यहाँ पे गोल्ड भी है और आयरन भी है, ठीक है। तो ये जो मशीन है हमारी, बेसिकली ये काम करती है गाइज हमारा आइटम्स को और उसको डुप्लीकेट करने में, मतलब ये डुप्लीकेट करती है ये मशीन। बहुत पावरफुल मशीन है और इसको अपग्रेड भी किया जा सकता है। तो गाइज देख रहे हो, अब अगर मैं अभी यहाँ पर स्मेल्टर के अंदर क्लिक करूँ, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 9 ही खांचे दिख रहे हैं, मतलब इसकी इन्वेंट्री जो है बहुत छोटी है। तो इसकी इन्वेंट्री बड़ी करने के लिए सिंपल ये है, पहली बात तो आपने ये 3x3 का बना लेना है होगा, ठीक है। फिर इसको हम जब बड़ा करेंगे ना ऐसे करके, ये देखिए, तो अभी इसकी इन्वेंट्री देख रहे हो डबल हो गई है इसकी इन्वेंट्री। और मैं चाहूँ तो और डबल कर सकता हूँ, मैं एक लाइन और बढ़ा करके इसकी इन्वेंट्री और डबल कर सकता हूँ, बट अभी हमारे पास ये कम है ब्लॉक्स, तो हम इतनी बनाएंगे, ठीक है।
ओके, तो अब बेसिकली इसमें काम क्या करना है, हमें हमें इसमें आयरन और डालना है। अभी आप आयरन देख रहे हो मेरे पास 10 हैं, तो मैं 10 के 10 आयरन इसमें डाल सकता हूँ ऐसे करके, ठीक है। अब ये मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे और इसको थोड़ी सी स्पीड देने के लिए, ये थोड़ा धीरे हो रहे हैं, तो स्पीड देने के लिए हम टाइमर का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो अभी कितना जल्दी हो जाएगा, हाँ हो भी गया ये। तो देख रहे हो भाई, ये टाइम को इतना फास्ट कर देता है। तो अभी ये मेल्ट हो चुके हैं, अभी आपको पता है ना मैंने इसमें 10 ब्लॉक डाले थे। तो भाई अब पहले तो हमें एक खांचा बनाना पड़ेगा। अब हम इस पे क्लिक करेंगे ना, ये ड्रेन है जो शायद गाइस, अबे एक चीज़ और बनानी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं रेड स्टोन, ये रेड स्टोन क्लॉक। तो ये मैंने ऑलरेडी एक बना के रखी हुई थी, तो इसको बनाने के लिए अगर मैं आपको रेसिपी दिखाऊं इसका, तो भाई इसको आप इस तरीके से बना सकते हो, ग्लो स्टोन और रेड, मतलब बहुत इजी है इसको बनाना। और इसको अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे, तो मुझे एक लीवर भी चाहिए होगा, ये रहा लीवर, मैंने बना के रखा हुआ था एक ऑलरेडी। ओके, ये इसलिए काम नहीं कर रहा था। तो गाइस देखिए, यहाँ पर ये एक ब्लॉक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये इसलिए ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो ये ब्लॉक मैं हटा देता हूँ, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? ओके, मैंने हटा दिया यार, ये ब्लॉक पता नहीं कैसे गड़बड़ी से लग गया। ठीक है, अभी ये काम करेगा। ओके, ये आ गया ब्लॉक। तो अभी शायद से हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, वैसे अभी हम इसको हटा सकते हैं। तो ठीक है, तो इसको चलाते हैं भाई। अब आप इस पे क्लिक करोगे ना, ओ इसके अंदर ब्लड आ गया शायद से। एक बार हम ये डाल के देखते हैं, गोल्ड, शायद गोल्ड से कुछ हो जाए। ओके, इसके अंदर ब्लड आ गया भाई। ये ब्लड कैसे निकाले हम, फिर बोतल से निकाल सकते हैं क्या? ओके, अभी मैं करके देखता हूँ, शायद हो जाए अभी। ओके गाइस, तो ये खांचा बनना शुरू हो गया। तो भाई फर्स्ट हमें पहले गोल्ड का खांचा बनाना पड़ता है, मैं आयरन का बना रहा था। तो पहले खांचा बनेगा इसके अंदर। तो देखिए, अगर मैं इसमें से अभी ये निकलना शुरू हो गया यार इसकी वजह से। देखिए अभी मैं 2 गोल्ड बना चुका हूँ, एक गोल्ड का खांचा बन चुका है। तो आपको सबसे पहले इसमें गोल्ड डालना पड़ेगा खांचा बनाने के लिए। ये जो खांचा होता है ना, इनगोट केस, इसी से ही हमारे आयरन इनगोट या फिर आप जिस तरीके के भी आयरन इस स्मेल्टर में डालोगे ना, वो बनेंगे। और उसके अलावा गाइज, आप लोगों को जो पहला ये खांचा होता है, ये गोल्ड से ही बनाना पड़ेगा और किसी से नहीं बनेगा। तो मुझसे यही गलती हो रही थी भाई। ओके, तो और इसमें गाइज आपको जो भी चीज़ का इनगोट निकालना, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे नीचे ये आ गया हमारा आयरन और ये ऊपर है इसके गोल्ड। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो नीचे गोल्ड आ जाता है, ऊपर आयरन आ जाता है। तो जैसे मैं अभी आयरन का निकालना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऑन करूँगा सिंपली, और यहाँ से निकालना शुरू कर देगा। और मैं इसको जैसे उठाऊँगा तो ये दोबारा डाल देगा। तो अभी मैंने, आपको याद हो तो मैंने इसमें आयरन के जो हैं कितने ब्लॉक डाले थे, 10 ब्लॉक डाले थे। तो मैं देखता हूँ मुझे कितने मिलते हैं। ये डुप्लीकेट करता है ना आइटम्स को, तो देखते हैं ये इन गोट को डुप्लीकेट करता है कि नहीं करता। ओके, तो गाइस देखा आप लोगों ने, मुझे 20 इनगट मिल गए हैं। तो भाई मैंने 10 डाले थे और मुझे 20 मिल गए हैं, और मैंने शायद से 6 जो है आयरन के डाले थे, वो सॉरी ये गोल्ड के डाले थे, तो ये भी मुझे डबल हो के मिल जाएंगे। तो भाई ये कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। और फिलहाल अगर मैं इसको भी हटा दूंगा ना ऐसे करके यहाँ से, तो मैं अब इसके बगैर भी चला सकता हूँ इसको। ये
इसको उठाओ और यहाँ से खोलो, देख रहे हो बिना इस मशीन के भी चल रहा है। और गाइज ये मतलब ऑटोमेटिक भी बन सकता है, ये इसको हम ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, हमें बस इसके अंदर और डालने हो करेंगे और ये मशीन अपने आप ही हमें इनगट बना के देगी डबल। तो इसको हम करेंगे गाइज ऑटोमेटिक आने वाले टाइम में, अभी के लिए तो ऐसा ही है। तो भाई देख रहे हो इस तरीके से काम करती है ये मशीन। चलो तो अभी गाइज आप लोगों को याद है तो मेरे पास ये एक पिकेक्स थी, स्टोन पिकेक्स, जिसको हम रिपेयर कर सकते हैं ऐसे करके। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो जैसे कि अब ये पिकेक्स थोड़ी सी ब्रेक हो गई है मेरी, तो थोड़ी सी ब्रेक हो गई है मेरी। और तो गाइस यार मैंने मुझे इसको भी ठीक करना पड़ेगा यार, मुझे ना इसको ठीक करने के लिए सिंपल ये जो मेरी वर्क बेंच है ना, मुझे इसके लिए एक क्राफ्टिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी वर्क बेंच को अपनी इन्वेंट्री के ऐसे करके इसमें क्राफ्टिंग सेक्शन में रखते हो तो आपको क्राफ्टिंग स्टेशन मिल जाएगा। और ये क्राफ्टिंग स्टेशन भाई कनेक्ट करता है इन सारी टेबल्स को। अभी देखो मैं कोई भी टेबल खोलूँगा ना तो मुझे सारी टेबल एक ही टेबल में मिल जाएगी, मुझे बार बार किसी किसी टेबल पे नहीं जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बस क्राफ्टिंग स्टेशन लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तो ये सारी की सारी टेबल आपकी कनेक्ट हो जाएंगी। कोशिश करना जिस सीक्वेंस में मैंने लगाया उसी सीक्वेंस में आप भी लगाओ, ठीक है। तो चलो भाई अभी मैं क्या करने वाला था, इस पिकेक्स को मैं अपडेट करने वाला हूँ। पहले मैं इसको दिखा दूँ रिपेयर कैसे करते हैं। तो भाई आपको ये वाले स्टोन चाहिए होते हैं शार्पनिंग किट, ठीक है। और ये शार्पनिंग किट आपको पता है कि इसमें एक पैटर्न बनता है ये वाला, ये रहा, ठीक है, इसको बोलते हैं शार्पनिंग किट पैटर्न, ठीक है। तो अब ये एक बना लिया था हमने ये रखा हुआ, तो अब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब इसमें रख लेते हैं हम कुछ भी कोई भी खांचा सिलेक्ट करके ऐसे करके रख सकते हैं ना इस तरीके से, ठीक है। इसको यहाँ पर रखो वापस, तो जैसे इसको रखेंगे और यहाँ पे कोबल स्टोन रखेंगे ना तो ये स्टोन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये मतलब दो कोबल स्टोन से एक पत्थर मिलता है आपको, ठीक है। तो ये मिल गया, अब इसको रिपेयर करना है हमें। अब रिपेयर करने के लिए सिंपल एक पत्थर रखेंगे इधर और ये पिकेक्स रखेंगे और ये पूरी की पूरी पिकेक्स जो है रिपेयर हो जाएगी हमारी एक पत्थर से। तो जैसे कि आप देख रहे हो भाई इसका अटैक स्पीड 4 है, मॉडिफायर 3 है, और मतलब तीन बार हम इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। माइनिंग स्पीड इसकी 3 है, ड्यूरेबिलिटी 96 है। तो ये सब चीज़ें अभी चेंज करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे चाहिए होगा डायमंड्स, तो मुझे एक डायमंड चाहिए होगा, मुझे रेड स्टोन चाहिए होंगे, और मुझे चाहिए होगा भाई फ्लिंट, और मुझे चाहिए होगा ऑप्सीडियन। तो ऑप्सीडियन गाइज मैं लेके आ गया था, ठीक है। तो मेरे पास 36 ऑप्सीडियन है, हाँ तो ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा, चलो ठीक है। तो भाई इस अब क्या करना है हमें अपनी पिकेक्स को अपग्रेड करने के लिए, पिकेक्स को यहाँ पे बीच में रखना है। सबसे पहले तो मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अब स्पीड बढ़ाने के लिए रेड स्टोन को रखना है हमें। अभी गाइज आप देख रहे हो इसकी स्पीड, माइनिंग स्पीड इसकी 9.96 है और इसमें देखो माइनिंग स्पीड सिर्फ 3 है। तो भाई ये बढ़ गई इसकी स्पीड, ठीक है, 9.96। थोड़ी सी और बढ़ा सकता हूँ मैं, ओके 11 हो गई इसकी स्पीड। अगर मैं थोड़ा सा और रेड स्टोन लेके आऊँ ओके, तो अभी इसकी 15.92 हो गई है भाई स्पीड, नाइस। तो भाई ये अभी बहुत ख़तरनाक हो गई। अब मुझे इसकी बढ़ानी है ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए भाई सिंपली इसको यहाँ पे रखेंगे, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी देख रहे हो 596 हो गई है, मतलब 596 हो गई है, और पहले कितनी थी, सिर्फ 96 थी, मतलब 96, ठीक है। और तो भाई इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा लेते हैं, तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई इसकी भाई, ठीक है। अब इसकी बढ़ाएंगे हम थोड़ी सी पावर, तो पावर बढ़ाने के लिए भाई हमें इसका ऑप्सीडियन ब्लॉक चाहिए होंगे, और ऑप्सीडियन ब्लॉक को हमें सिंपली कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अरे यार मैंने 9 बना दिए, चलो कोई नहीं, हमें वैसे एक ही चाहिए था। तो एक पत्थर यहाँ पे रखेंगे और एक फ्लिंट रखेंगे, तो भाई हमारी पिकेक्स जो है ना बहुत ही ख़तरनाक हो जाएगी। मतलब पहले देख रहे हो ये पिकेक्स थी हमारी, इधर देख रहे हो ये ऊपर लिखा हुआ है माइनिंग लेवल डायमंड, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी के नीचे। तो अभी इसका माइनिंग लेवल है वो हो जाए कोबल्ट,
तो कोबाल्ट भाई हर तरह का सामान को जो माइन करती है, मतलब डायमंड भी माइन करेगी हमारे लिए, ऑब्सीडियन भी माइन करेगी और बहुत फास्ट तरीके से करेगी। तो कोबाल्ट लेवल की ये जो है पिकैक्स हमारी बन चुकी है और इसका अटैक स्पीड 5 हो चुका है भाई, देख रहे हो। मतलब ये स्टोन की पिकैक्स और इतनी सारी चीज़ें आ गई है इसके अंदर। और एक चीज़ और करके देखता हूँ मैं, शायद से हो जाए तो मुझे लैपिस चाहिए होगा। तो चलो, तो अगर मैं इसको यहाँ रखूँ और लैपिस को रखूँ, ओके, तो नॉट इनफ मॉडिफायर। तो यार ये और मॉडिफाइड नहीं हो सकती है, इतनी मॉडिफाइड होनी थी ये। चलो कोई नहीं, अभी भी बहुत बढ़िया है। तो अभी मैं इस पिकेक्स का आप लोगों को कमाल दिखाने वाला हूँ कि ये कितनी ख़तरनाक है भाई ये पिकेक्स, ठीक है। चलो मैं कंपैरिजन करके दिखाऊंगा आपको डायमंड वाली पिकेक्स के साथ, क्योंकि डायमंड से ज़्यादा अच्छी पिकेक्स माइनक्राफ्ट में माने नहीं जाती ना। तो भाई देख रहे हो, अभी मैं पहले आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये डायमंड की पिकेक्स। देखो इसकी स्पीड देखो, ठीक है, ओके। अब इस वाले की स्पीड देखना आप लोग, देख रहे हो, मतलब ये डायमंड की पिकेक्स से भी फास्ट है भाई, बहुत तगड़ी है भाई ये। तो ये यार एक फायदा है इसका, है ना, मस्त। चलो यहाँ पे कोई कुछ स्पॉन ना हो जाए इसलिए मैंने टॉर्च लगा दी। तो भाई हमारी पिकेक्स हो गई है बिल्कुल ख़तरनाक। तो अभी हम एक क्विस्ट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये वाला जो हमने अभी कंप्लीट किया था, ये स्मेल्टरी कंट्रोलर, ठीक है। और स्मेल्टरी कंट्रोलर हमारा हो चुका है और अब हमें ये ओक क्रेट बना सकते हैं हम, इजी मनी, फ्री के पैसे मिल जाएंगे। तो ओक क्रेट बना लेते हैं एक, ओके बन गई। तो भाई ये करती क्या है वैसे, ये है क्या चीज़? ओ अगर मैं इसको बंद करके ऐसे उठाऊं, ओके, ये एक तरह से इन्वेंट्री है भाई। ओ नाइस, ये तो बढ़िया काम की चीज़ है भाई, ये तो एक तरह से हमें एक स्लॉट मिल जाता है। अभी गाइज हमें एक क्विस्ट कंप्लीट करना है जो कि है ये वाला, ठीक है। तो हमें वी आर गोइंग ऑन एडवेंचर, तो ये कंप्लीट करना है हमें। तो इसको बनाने के लिए दो चीज़ तो मैं बना चुका था इसकी, जैसे कि मैं ये बना चुका हूँ, हैंडल इसका इस तरीके से बनता है। और चेयर भी मैंने बना ली थी, 3 वूल रखो तो चेयर मिल जाती है आपको, ठीक है। तो ये रही पैसेंजर सीट। अब जो मेन चीज़ थी ना वो मैं बना नहीं पाया था, एयर बलून। तो एयर बलून के लिए भाई आपको वूल चाहिए होगी और या तो सिल्क चाहिए होगा या स्ट्रिंग चाहिए होंगे। तो भाई चलो देखते कितने बन सकते हैं। वैसे हमारे पास 4 बने हैं और हमें बनाने कितने हैं देख लेता हूँ। तो दो चीज़ बन गई, हमें 16 बनाने हैं, ओके। तो मुझे वूल और स्ट्रिंग्स लेके आने होंगे। तो वूल के लिए मैं पहले शेयर्स ले लेता हूँ और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा कि मैं शेयर क्यों ले रहा हूँ। चलो ये रहा शेयर, मेरे पास गोल्ड का था। ये क्या है, बीटल? व्हाट इससे हमें क्या, स्लिम? ओके, तो फाइनली गाइस हमें मिल गई है शिप। तो मैं इनसे लेने वाला हूँ थोड़ा सा वूल और ये शेर से ही लूँगा मैं, ठीक है। ये देखिए, ये आराम से शाबाश दे दो मुझे जितना भी वूल है। ओ इसने क्या पहना हुआ है अपने सर पे, बाल है पता नहीं क्या है। ओके, तो मुझे कितना, 8 वूल मिल गया है, मुझे और चाहिए। तो देखो गाइज अब मैं बताता हूँ आपको मैंने शेर से वूल क्यों लिया है। अगर मैं इनको मारता हूँ ना, देखो ऐसे करके, तो यहाँ पर मुझे वूल नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए शेर से वूल मिलता है, मतलब शेर से वूल लेना ज़रूरी है। ओके, तो गाइज वी आर बैक टू द होम। तो अभी हम लेके आ गए हैं बहुत सारा वूल और थोड़ा स्ट्रिंग। तो अभी जो है मैं बनाने वाला हूँ ये एयर बलून। तो 24 बना लिए भाई मैंने, आई थिंक 24 तो इनफ है। ये मुझे फ्रॉग भी मिले थे तो मैंने फ्रॉग लेग ले लिए, मतलब फ्रॉग को मारा था। चलो तो अभी इसको कलेक्ट कर लेते हैं जो हमने क्विस्ट कंप्लीट किया है। ओके, सिक्के मिले, एक लूट रिवॉर्ड है। ये क्या है भाई मेरे हाथ में? ओके, ये क्या है, सबमरीन सैंडविच, एक सैंडविच मिला है। चलो भाई अगर मैं इसको यहाँ लगाऊँ,
तो ये क्या करेगा भाई? तो ये स्पाइक्स है गाइस, आई थिंक इनको एक्टिवेट करना होता होगा रेड स्टोन से। एक बार ही करके देखूं मैं। ओ यस, ओ भाई इनको एक्टिवेट करना होता है। ओ मेरा कुत्ता मर जाएगा, इसको हटा दो। ठीक है भाई, इनको एक्टिवेट करना होता है। ये तो बड़ी सही चीज़ है यार, मोब्स के लिए लगा सकते हैं हम, जैसे कि मोब फार्मिंग जब बनाएंगे हम तो उसमें लगा सकते हैं इसको। तो चलो भाई, अभी हम एक चीज़ बनाने वाले हैं, तो खाना पका लेते हैं पहले। तो ओके, तो गाइज हमारी सवारी जो है तैयार होने वाली है। बस अब इसको इसको यहाँ लगाओ, इसको यहाँ लगाओ। ठीक है, अब लगानी हमें एक सीट। तो ये सीट लगेगी हमारी यहाँ पे। हाँ आप भी ठीक लगाइए, और मुझे इसको अब वापस से रीनेम देना है। डन, असेंबल एंड माउंट शिप। तो गाइज अभी हमारा शिप रेडी हो चुका है और अब हम एडवेंचर पे जाएंगे। तो इसको नीचे लाने के लिए आई थिंक जेड का यूज़ होता है, ऊपर ले जाने के लिए एक्स का यूज़ होता है, और डब्ल्यू एस ए डी से इसके कंट्रोलर हैं। तो चलो यार इसको अभी उड़ाएंगे, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सो गाइज हाँ, मैं बात कर रहा था इनकी कि भाई ये मुझे जो ये यहाँ से मिल रहा है सिल्क कॉटन, और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँगा कि मैंने एक चीज़ बनाई है, ये ग्लव्स बनाया है मैंने, आप देख सकते हो ना, क्लाइंबिंग ग्लव्स। तो इसको बनाना भाई बहुत इजी है, क्लाइंबिंग ग्लव्स को अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा क्लाइंबिंग ग्लव्स। तो स्लिम बॉल चाहिए सिंपली इसके लिए, और लेदर चाहिए, एक ब्लैक डाई चाहिए, एक आयरन इनगट चाहिए। तो बहुत आसानी से बन सकता है, और भाई इसको आप अपने इन्वेंट्री में पहनोगे ना इसको, तो आप कहीं पर भी चढ़ सकते हो, ऐसे मकड़ी की तरह देख रहे हो, ऐसे चढ़ सकते हो आप। ये देखो मैं बहुत ऊंची ऊंची चढ़ सकता हूँ, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। और यार मुझे इनका भी कुछ करना पड़ेगा, और मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये देखो मैं कहीं भी चढ़ सकता हूँ भाई, देख रहे हो, ये चीज़ एकदम मस्त है। बस उतरने में प्रॉब्लम होती है, मुझे उतरने का भी समाधान करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और गाइस आप बोलोगे कि यार ये मुझे सिल्क वॉर्म कहाँ से मिले, तो भाई बहुत ईजी है। तो आपको ये पेड़ जो है ना ऐसे करके तोड़ने होते हैं, ठीक है। तो इनसे हमें मिलता है, एक मिनट, इससे कुछ नहीं मिला, किसी एक ना एक पेड़ से मिलता है हमें। देखो ये रहे सिल्क एग, ठीक है। तो ये हमें बहुत सारे इकट्ठे करने हैं, जैसे यहाँ पे भी है। ओके, तो देखिए ये एग्स को हाथ में लेना है और इनको इस तरीके से फेंकना है, ठीक है, ऐसे। ये देखो निकला ना एक बच्चा, तो ऐसे आप फेंकोगे तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो। बस मुझे इनके लिए यार एक कलेक्टर होपर बनाना पड़ेगा, मुझे एक होपर। तो गाइज आप जितना भी सिल्की है प्रोड्यूस करेंगे तो सब इसके चेस्ट के अंदर आएगा। तो ये थी भाई मेरी प्लानिंग, जैसा कि मैं यहाँ पे घेर के दिखाता हूँ, ये स्लिम बॉल्स घेर के दिखाता हूँ। अब देखो मैं ये घेर रहा हूँ ना, तो सारी चेस्ट में जाएगी यहाँ पे, देख रहे हो। तो इसी तरीके से जितना भी अब ये प्रोड्यूस करेंगे ना सिल्क, वो सब जाएगा इसके अंदर। बढ़िया है ना, मस्त। तो चलो गाइस अभी चलते हैं हम एडवेंचर पे, और यहाँ पे अब हम अपना यूज़ करेंगे अपने इसका, एक अपने उड़न तस्तरी का। तो भाई चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। तो गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ, वो जो सामने देख रहे हो आप उड़ता हुआ, एक दिख रहा है ना आपको फ्लोटिंग करता हुआ, क्या है वो, आइलैंड जैसा, तो उस पे जाने वाले हैं अभी हम। तो देख रहे हो ये क्या मस्त काम करता है, गजब। ये बहुत स्लो है बट ओके। तो मुझे इस पे से उतरने के लिए या तो मैं शिफ्ट का यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मुझे ये बैक स्लैश कोमा दबाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब मुझे ये निकालने हैं ब्लॉक्स यहाँ से। तो ये ब्लॉक्स है गाइस जिनका मुझे इंतज़ार था, और ये जितने भी हैं यहाँ पे सब निकाल लेता हूँ मैं।
ओके, तो मुझे सैपलिन भी मिल गया इसका, दो सैपलिन मिल गए मुझे। अब ये वाला स्लिम का पेड़ हम घर पे भी उगा पाएंगे मतलब। तो चलो यार, अपना काम यहाँ से हो गया। अभी गाइस क्या हो रहा है कि मैं जैसे ही अपना ये इसको असेंबल कर रहा हूँ ना, यहाँ से असेंबल कर रहा हूँ, तो मेरा गेम जो है ना पूरा क्रैश हो जा रहा है। तो मैं अभी क्या करूँगा, तो मैं इसको अभी यहाँ से निकाल के लेके चलूँगा, ठीक है, ऐसे ही, और इसको बाद में हम असेंबल करेंगे। ओके, तो शायद से मुझे इस खांचे की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बढ़िया, इस वाले पानी में मैं शायद कूद सकता हूँ। नहीं, चलो कोई नहीं, हमारे घर के पास में ही है। तो गाइस मुझे मेरा सामान मिल गया, मैं निकलने वाला हूँ सीधा घर पे। तो गाइस शॉर्टकट मार के आ गया मैं घर पे। अभी हमें बनाना है एक बहुत ही काम की चीज, जो कि है ये बूट्स। तो गाइस स्लिम बूट्स हमने बना लिए भाई, यही बूट चाहिए थे मुझे कब से। चलो अभी इन बूट्स का मैं कमाल दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस इन बूट्स में ना आपको फॉल डैमेज नहीं होता, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देख रहे हो, ये फायदा होता है इन बूट्स का। ओ ये क्या है, व्हाट? ये क्या था भाई, अजीब है यार। और ये पोर्टल कैसा है भाई? भाई अभी तो मैं नहीं जाना चाहूंगा उसमें। सो गाइस आज का काम तो गाइस हमारा हो गया, और यार बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें करी नई नई हमने। और भैया उड़ने वाली, हमें उड़ने वाले मतलब बूट भी मिल गए, उड़ने वाले नहीं। अरे ये क्या कर रहा है गाइस? ओ माय गॉड, वो मेरे को पकड़ के लेके जा रहा था भाई। अरे ये क्या कर रहा है भाई? भाई इंट्रो भी नहीं देने देते ये, आउट्रो, सॉरी। ओ भाई डॉगी आ जा, कहाँ जा रहा है डॉगी भाई? वो पता नहीं क्या थे, भूत मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई। वाडू हैक, अजीब थे यार, मेरे को पकड़ के घसीट के लेके जा रहे थे भाई। ओ यार डॉगी कहाँ है? ओके ये रहा डॉगी, भाई तू यहीं बैठ जा। सो गाइस वापस से आउट्रो करते हैं। तो गाइस आज का काम हमारा हो गया यार, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। छाओ छाओ।